जस्टिस, और रिजर्वेशन क्या है? मीडियम ऑफ सोशल जस्टिस। अब यहां अगर हम ये देखें कि रिजर्वेशन की हमें जरूरत आपके पड़ती क्यों है, क्यों इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की हमें जरूरत पड़ रही है? होता क्या है कि प्रकृति में या हमारे समाज में दो प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, दो प्रकार के भेदभाव, ठीक है? एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है नेचुरल या बायोलॉजिकल, या तो प्राकृतिक रूप से कोई भेदभाव हो या बायोलॉजिकल रूप से कोई भेदभाव हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि एक बच्चा स्वस्थ पैदा हो रहा है, एक ब्लाइंड पैदा हो रहा है, ठीक? एक बच्चा फिजिकली फिट है, हो सकता है एक बच्चा पैरालाइज्ड है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या दोनों के लिए एक जैसी कंडीशंस होनी चाहिए? अगर कोई पैरालाइज्ड बच्चा है तो वो फिजिकली फिट नहीं है, तो वो उसके बराबर की कंडीशंस को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें दोनों का विकास करना है तो दोनों के लिए कंडीशंस को अलग-अलग करना होगा, ठीक? यानी कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये कौन सी अवधारणा पे? ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ पे बेस्ड नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ठीक है? तो समाज में आपके एक भेदभाव तो होता है प्राकृतिक या जैविकी, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल या बायोलॉजिकल। कोई आपके जन्म से ही अंधा है या जन्म से ही फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक? या समय के साथ आपके हो गया किसी एक्सीडेंट के कारण, ठीक? तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपके जो फिजिकली जो पर्सन फिट नहीं है, वो फिजिकली फिट पर्सन से कंपटीशन नहीं कर पाएगा समान कंडीशन में। तो दोनों के लिए अगर आगे बढ़ाना है तो कंडीशन को क्या करना होगा? चेंज, ठीक? तभी आपके नॉन फिजिकल फिट पर्सन फिजिकल फिट से कंपटीशन कर पाएगा। पहला तो ये, इसलिए जरूरत है हमें इस नेचुरल या बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन की। अब दूसरी सिचुएशन यहां आती है कि हमारे समाज के अंदर कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक भेदभाव भी है। यानी कि उत्तर वैदिक काल से लेकर आजादी के बाद तक भारत में आपके सीधे सीधे दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक? और निम्न वर्ग की स्थिति उत्तर वैदिक काल से, वैदिक काल नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं ना कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऐसा था, ऐसा नहीं था। ये जो सिचुएशन थी ये उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल से आजादी के बाद तक। वैदिक काल में तो सब सही था, ठीक? तो लेटर वैदिक काल से लेके आपके आजादी के बाद तक सीधे सीधे भारत की पूरी जो आपकी जनता थी वो दो वर्ग में विभाजित थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग को ना शिक्षा लेने का अधिकार था और निम्न वर्ग को ना राइट टू प्रॉपर्टी था, दोनों में से कुछ भी आपके नहीं था, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जब ये लोग शिक्षित ही नहीं है तो ये अवेयर भी नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़े भी नहीं होंगे, और इनका सोशल मेन स्ट्रीम में जो पार्टिसिपेशन होगा समाज की मुख्य धारा में वो बहुत कम होगा, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहां भी है, ठीक है? तो रिजर्वेशन का आपका दूसरा उद्देश्य होता है क्या? समाज में व्याप्त इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ठीक है? क्योंकि उन लोगों की जो दशाएं थी वो बिल्कुल अलग थी, उन लोगों के अंदर आपके वो क्षमताएं नहीं है जो वो आपके अन्य उच्च वर्ग के साथ कंपटीशन करने की क्षमताएं रखें, ठीक? क्योंकि इनके साथ में बेहतर पढ़ाई नहीं थी, एजुकेशन से कोसा दूर थे। तो इनको अगर हमें सोशल मेनस्ट्रीम में लाना है तो कुछ कंडीशन इनके लिए भी हमें कैसी बनानी होगी? लिबरल, ठीक है? तो आपके रिजर्वेशन का पहला उद्देश्य नेचुरल या बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना या कम करना, और दूसरा समाज में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन मनुष्यों के द्वारा फैलाया गया उस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना? कम करना, ठीक? इसके अलावा आपके जो डिप्राइव्ड क्लास जो हमेशा से आपके सुख सुविधाएं, ठीक है, एजुकेशन राइट्स इनसे जो हमेशा दूर रहा है, उस डिप्राइव्ड क्लास को सोशल मेन स्ट्रीम में लेके आना, और उस डिप्राइव्ड क्लास का एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, ठीक है? इन सारे उद्देश्यों से हमें जरूरत पड़ती है किसकी? रिजर्वेशन। अब हम आते हैं आपके रिजर्वेशन की कहानी पे। तो रिजर्वेशन का अर्थ क्या है और रिजर्वेशन का आपके देने का उद्देश्य क्या है? इन सब में तो हमें रिजर्वेशन एक पॉजिटिव सेंस ही दिखाई दे रहा है, यहां तक आपके रिजर्वेशन कोई भी नेगेटिव सेंस में नहीं है। अब नेक्स्ट अगला हम समझते हैं रिजर्वेशन का आपके डेवलपमेंट यानी कि आपके विकास कहां से आपके शुरू होता है। अब इस पॉइंट को आप समझना। अब यहां सबसे पहले तो रिजर्वेशन को सीधा सीधा से जोड़ा जाता है किससे? एससी एंड एसटी, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय संविधान में आपके आर्टिकल 64 में बात क्या की गई है? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जो फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एससी एसटी वर्ड लिखा नहीं है वहां कहीं, वर्ड कौन सा लिखा है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है? अब यहां आपके सबसे पहले तो ये एससी और एसटी वर्ग समझ लें।
संविधान के शुरुआत से ही हमने आपके ये मान लिया कि भारत में एससी और एसटी ये जो दो कैटेगरी हैं, ये शुरुआत से ही सोशली और एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है। ये हमने शुरुआत से ही अज्यूम कर लिया। ठीक, अब यहां एससी और एसटी इन दोनों को भी हम समझ लें। एससी और एसटी को हम सामान्यतः मिला देते हैं, इनका ओरिजिन कहां से हुए समझना। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, ये वो लोग थे जो शहरों या गांव में रहते थे और सोशल मेनस्ट्रीम से दूर थे, और शेड्यूल ट्राइब ये वो लोग थे जो गांव और शहरों में नहीं रहते थे, ये कहां रहते थे, जंगलों में। ये जंगलों में आपके रहते थे, ठीक है, तो जंगलों में रहते थे तो ये तो शहर और गांव में ही नहीं रहते, तो ये तो सोशल मेनस्ट्रीम से और दूर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एससी और एसटी ये दोनों वर्ड क्लियर हुए। एससी जो आम जनता के साथ शहरों या गांव में रहते थे लेकिन आम जनता से दूर रहते थे, और ट्राइब ये तो रहते ही जंगलों में थे। ठीक, भारत के अंदर अगर 100% पॉपुलेशन है तो 15% आपके एससी और 7.5% एसटी। ये आपके एक बेसिक शुरुआत थी। अब हम आगे देखते हैं कहानी आपके शुरू होती कहां से। अब कहानी आपके शुरू होती है 1953 से। ठीक है, 1953 में जवाहरलाल नेहरू आपके करते क्या है, ये एक कमीशन का गठन करते हैं। कमीशन का नाम होता है काका कालेलकर कमीशन। ये काका कालेलकर कमीशन से ये कहते हैं कि ये पता लगाओ कि देश के अंदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी कितनी है और इन कम्युनिटी का गवर्नमेंट जॉब में प्रपोर्शन क्या है, क्या इनकी जनसंख्या के अनुपात में गवर्नमेंट जॉब है इस कम्युनिटी के पास। ठीक, तो अब आपके काका कालेलकर कमीशन आपके हिसाब लगाते हैं कि भारत के अंदर 100 नौकरियां हैं आपके। ठीक है, अब 100 नौकरियां आपके 100 लोगों में बांटनी है तो जनसंख्या के अनुपात में बांटनी चाहिए। अब यहां देखना, भारत के अंदर जनरल पॉपुलेशन 77.5%, एससी में इन्होंने रखा 15%, एसटी में रखा 7.5%, यानी ये दोनों कैटेगरी को क्या माना गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। काका कालेलकर कमीशन का उद्देश्य यह था कि अगर देश की जनसंख्या में इन दोनों कैटेगरी की अगर भागीदारी 22.5% है तो आपके सरकारी नौकरियां भी 22.5% इस कैटेगरी के पास होनी चाहिए। अब इन्होंने किया सरकारी नौकरियों का एनालिसिस। एनालिसिस किया तो ये देखा कि 100 में से 98 नौकरियां किसके पास है, सिर्फ जनरल। इनके पास तो एक एक नौकरियां जो गलती से मिल गई है, वो भी आपके निम्न स्तरीय। ठीक, तो अब यहां आपके कहानी ये बनी कि काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि देश के अंदर जो एससी और एसटी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इन लोगों का इनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है तो एससी एसटी कम्युनिटी को गवर्नमेंट जॉब में आपके रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये कहानी यहां से शुरू हुई। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब में आपके रिजर्वेशन देने की सिफारिश इन्होंने की। काका कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1956 में आपके जो भारत सरकार होती है ये आपके गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की व्यवस्था करती है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, लेकिन दिस प्रोविजन ओनली वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। 1956 में जब ये रिजर्वेशन आपके दिया गया था तो ये माना गया था कि 10 साल बहुत हैं इस कम्युनिटी को अपनी प्रपोर्शन बढ़ाने के लिए सरकारी जॉब में, और जब ये कम्युनिटी इसमें प्रपोर्शन के बराबर सरकारी जॉब में अगर आ जाए, ठीक, तो फिर रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं भारत में, तो 10 साल के अंदर ये कम्युनिटी अपना क्या कर ले, एम्पावरमेंट कर ले, और उसके बाद हम रिजर्वेशन को हमेशा के लिए रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, यहां तक भी कुछ गलत नहीं था, यहां भी चीजें सही चल रही थी। ठीक है, अब आगे चल के हुआ ये, इसको नोट करो पहले।